नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दम भर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल उनके खिलाफ 2016 के चुनावी कैंपेन में अनियमित भुगतान मामले में सुनवाई चल रही है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। इस बीच ट्रंप ने अपने समर्थकों को एक ईमेल भेजकर कहा कि हो सके तो ये मेरी तरफ से लिखा हुआ आखिरी लेटर हो। आपसे मिले समर्थन के लिए शुक्रिया। इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी और हम फिर से व्हाइट हाउस को जीतेंगे। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में भारी सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की आशंका भी है। ट्रंप के खिलाफ 2016 के चुनावी कैंपेन में अनियमित भुगतान मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में अदालती ज्यूरी का फैसला आना बाकी है। न्यूयॉर्क पुलिस ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के संभावित ऐतिहासिक मामले, जिसमें एक एडल्ट स्टार को दिए गए पैसे के मामले में संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए आगे की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। अमेरिका की फाइनेंस कैपिटल न्यूयॉर्क में सोमवार शाम को हुए विरोध प्रदर्शन में केवल कुछ दर्जन भर ट्रंप समर्थकों ने ही हिस्सा लिया था। हालांकि जूरी ने मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के और की ओर से साल 2016 में स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए पैसों के भुगतान की जांच की। अगर किसी भी तरह का अभियोग आरोप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दायर किया जाता है तो ट्रंप पहले पूर्व या मौजूदा राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन पर अपराध का आरोप लगाया जाएगा। ऐसा होने पर अगले साल होने वाले 2024 चुनाव से पहले उन्हें तगड़ा झटका भी लगेगा। वहीं पिछले हफ्ते के आखिरी में ट्रंप ने यह बयान दिया था कि वो मंगलवार को गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने समर्थकों से इसका विरोध करने का अनुरोध किया था। वहीं एनसीबी न्यूज़ ने कहा कि पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शुरुआती सुरक्षा आकलन किया, जिसमें मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया गया, जहां ट्रंप के न्यायाधीश के सामने पेश होने की संभावना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े इस मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।